महासमुंद जिला के एक अधिकारी द्वारा युवती के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल ऐश्वर्या दुबे नाम की एक युवती सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रही है, जिसके लिए उसे गरीबी रेखा प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है। इसके लिए ऐश्वर्या दुबे पिछले 3 महीनों से महासमुंद SDM कार्यालय की चक्कर काट रही है। ऐश्वर्या ने बताया, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र के लिए महासमुंद कलेक्टर के पास कई बार जा चुकी है। वहीं एक बार और गई थी तो महासमुंद SDM ने कलेक्टर के समक्ष कहा कि ऐश्वर्या का प्रमाण पत्र बन जाएगा। तभी दूसरे दिन ऐश्वर्या SDM कार्यालय गई और प्रमाण पत्र के विषय में SDM साहब से बात की तो SDM साहब भड़क गए। ऐश्वर्या कहना है, SDM भागवत जायसवाल ने दूधकारते हुए कहा, तुम्हारा प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। ऐश्वर्या दुबे का आरोप है, SDM भागवत जायसवाल ने उसे चालू लड़की भी कहा। पीड़ित युवती ऐश्वर्या दुबे महासमुंद तहसील के ग्राम पंचायत मालीडी की रहने वाली है। इस मामले में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा अधिकारियों के ऐसे रवैये से काफी नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें, महासमुंद जिला में कई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का व्यवहार और काम करने का तरीका लोगों को परेशान कर रही है। कुछ दिन पहले सराईपाली थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या किस बात को लेकर के घुमाया करते? वही बोलते थे कि इसका 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, इसके पास अवैध कब्जा है, इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। कलेक्टर सर के सामने में हाँ बोलते थे, लेकिन जब मैं ऑफिस आती थी तब मेरे को घुमा देते थे कि आपका ज़्यादा ज़मीन है, आपको नहीं दिया जाएगा सर्टिफिकेट। तो मैं बोलती थी कि कोई बात नहीं सर, मैं दस्तावेज नकल की आवेदन कर दूँ तो आप दस्तावेज नकल मुझे दे दीजिए। तो यहाँ तक कि वो भी नहीं देते थे। कॉल करने पर यहाँ आने पर पता चलता था कि अभी तो आया ही नहीं है दस्तावेज नकल, तो हम कहाँ से देंगे। जब मैं SDM सर से बात करने जाती थी तब SDM सर कार्यालय से बाहर निकल जाती थी। अच्छी बात, 3 महीने में परेशान थी। कौन अधिकारी है जो बार बार ऐसा बोलते हैं कि आपको कि अभी यहाँ के कौन अधिकारी है जो बार बार यहाँ के मतलब SDM तहसीलदार सर बोलते थे कि मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा, आप पटेवा जाओ। ठीक है ना, पटेवा वाले सर बोलते थे नायब तहसीलदार सर कि आपका अवैध कब्जा है, आपको नहीं दिया जाएगा सर्टिफिकेट। मैं SDM सर के पास जाती थी, वो बोलते हैं आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, आज तू चालू लड़की है, तेरे को नहीं दिया जाएगा। मेरी बात तक नहीं सुनते थे वो। कौन SDM बोल रहे थे? भागवत जायसवाल सर। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गई थी, मैं जैन दर्शन के लिए भी गई थी लेकिन वहाँ मुझे अनुमति नहीं मिला। उसके बाद मैं पंचायत को करके विमल चोपड़ा सर जी के पास गई, तब मेरा गरीब निराकरण आ गया। मेरी उपेन बघेल से ये मांगी है, इसमें सबसे ज़्यादा गलती पटवारी की है, वहीं से स्टार्ट हुआ था। मैं पटवारी के खिलाफ एक आवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, उसमें वो मिस्टेक कर दिए थे कि आप डेट गलत डाले सर, पुराना वाला जो संदर्भ। कौन पटवारी है? अरविंद चंदा। कहाँ के पटवारी हैं? मालीडी के पटवारी, मेरा नंबर 7 है। इस प्रतिवेदन में यदि आप जांच किससे कराएंगे? अरे इसे उससे पढ़ेंगे। क्यों जांच कराएंगे भाई आप? अरे ये बोल रहे हैं कि पुनः जांच चाहिए। नहीं, पुनः जांच थोड़ी बोल। हाँ तो ठीक है, EWS का आवेदन लगा दीजिए। नहीं, आवेदन तो लगा है, रिजेक्ट हो गया इनका। कहाँ रिजेक्ट? रिजेक्ट कर दिया है क्या? नहीं, कौन से कार्यालय से? ये आप जो है तो तुम्हारा पूरा बोल दिया है सर। ऐश्वर्या दुबे द्वारा गरीबी रेखा का अपना प्रमाण पत्र जो नौकरी में उपयोग में आता है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना प्रमाण पत्र लगाना होता है, प्रमाण पत्र के लिए उसने आवेदन किया, लेकिन पिछले 3 महीने से